हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं नंद के अवतार में। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ये सूट पहना है और पैरों में पहने हैं ये वाले नागरे। तो बस हम अवतार में जा रहे हैं, आज इनका रोज़ा अवतार है तो हम लोग को बुलाया है। और ना, दो दिन पहले से ही हम लोग उसे बोल दिया था कि रोज़ा अवतार में आना, तो मैं नमाज आज जुम। हेलो गाइस, ये मेरा लुक है और आज हम जा रहे हैं नंद के यहाँ अवतार में। तो जैसे कि आज जुमा था तो पहले हम लोग नहाए, फिर नमाज पढ़ी, फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम जा रहे हैं नंद के अवतार में, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद, बाय। तो यहाँ पे हम नंद के यहाँ आ गए हैं, मैंने रास्ते की ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई। नंद का घर पास में ही है, फिर क्या मोबाइल निकालो ऊपर से वीडियो बनाओ, मेरे घर छोड़ो। तो नंद के घर आ गए हैं, यहाँ पे बावर्ची खाना बना रहे हैं, इनके यहाँ बिरयानी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, तो बस यही सब पक रहा है यहाँ पे। तो बावर्ची बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मतलब खाने में बिरयानी है, खीर है, पकौड़ी है, यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बावर्ची ने बनाई है बिरयानी, मतलब यखनी बना कर रख ली थी। यहाँ पे जो बावर्ची है वो चावल वगैरह पसा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या सामान डाला है, जो होता है ना बावर्चियों का तरीका बनाने का अलग होता है, हमारा तरीका बनाने का थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा चेंज होता है उनमें और हम लोगों में बनाने में। तो बस यहाँ पे सब लोग ये तैयारियाँ कर रहे हैं, कढ़ाई में तेल डाल रही हैं, तो पकौड़ी वगैरह बना रही हैं और बिरयानी बन रही है और बन रही है खीर। तो बस यही सारा प्रिपरेशन हो रहा है जब तारीख इनके यहाँ। तो मैंने थोड़ा, चलो इधर मन किया, घर में बैठे बैठे मन भी नहीं लग रहा था, तो इनके बराबर वाले प्लॉट में ही खाना बन रहा है, तो मैं इधर ही आ गई थी देखने के, देख क्या क्या बन रहा है। तो वही मैं देख रही थी कि इनका थोड़ा सा तरीका हम लोगों से अलग था, जैसे हम लोग बिरयानी बनाते हैं, खास करके मैं बनाती हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सबका तरीका मेरे जैसा ही है, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा चेंज था। तो वही मैं देखती लोग कैसे बनाते हैं, लेयर कैसे लगाते हैं, यखनी कैसे डालते हैं गोश्त की चावल के अंदर, तो वही चीज़ मैं ध्यान दे रही थी। तो उन्होंने पहले चावल को, आधा चावल बाहर निकाला, पहले चावल को पसाया, चावल आधे बाहर निकाले, उसके बाद जो बोटियाँ बोटियाँ थी वो लगाईं चावल के ऊपर से, खाली बोटी बोटी लगाई, और जो तेल था और जो ग्रेवी थी ना इस गोश्त की वो नहीं लगाई इन्होंने। ये देखिए, सिर्फ बोटियाँ बोटियाँ इन्होंने बिरयानी के ऊपर लगाई, और जो ग्रेवी ग्रेवी थी वो नीचे नीचे रह गई, मतलब उन्होंने थोड़ा सा भगोने को टेढ़ा करके रखा है ताकि तेल तेल जो है नीचे नीचे रह जाए, और इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के सिर्फ बोटी बोटी लगा रहे हैं लेयर में। और आधे चावल उन्होंने बाहर निकाल लिए थे पहले ही, लेयर लगाने से पहले। तो बस यही चीज़ हम ध्यान दे रहे थे कि ये कैसे बना रहे हैं। तो इन्होंने इस तरीके से बनाया, पहले इन्होंने मतलब बोटियाँ बोटियाँ लगा दी चावल के ऊपर से, फिर चावल लगाएंगे, और जो तेल 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 है, जो मसाला मसाला है, वो जब दूसरे चावल भी डाल देंगे जो इन्होंने बाहर निकाले वो भी डाल देंगे ना इसके ऊपर से, उसके बाद वो तेल तेल जो है उसके ऊपर से डालेंगे, मतलब सब चीज़ डालने के बाद ऊपर से सिर्फ तेल तेल और जो ग्रेवी ग्रेवी वो डाल देंगे। तो ये इनका सीक्रेट तरीका है, इन्होंने बताया, हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम बनाते हैं और बिरयानी बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। ऊपर से तेल तेल डालने का ये मकसद होता है क्योंकि बिरयानी जैसे हमने बनाई है सब चीज़ हम साथ में लगा देते हैं, बोटी और ग्रेवी और तेल, तो बोटी बिरयानी जो है सूखी सूखी से रह जाती है, और ऊपर से तेल लगाते हैं तो उससे ये होता है कि बिरयानी आपकी जो है ना खूब चिकनी चिकनी रहती है, तेल उसमें ऊपर ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है कि तेल तले में चला गया और चावल सूखे रह गए। तो उन्होंने बताया कि इसलिए हम इस तरीके से लगाते हैं। और यहाँ पे सब चीज़ मिलाने के बाद अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि आज को धीमी करके अंगारों पे रख देंगे। तो बस यहाँ उसके बाद यहाँ पे अफ्तार का टाइम हो गया है, बस होने ही वाला था, तो यहाँ पे सब प्लेटें लग गई हैं अफ्तार की, अफ्तारी की बन बन के। तो पकौड़ी है, खजूर है और बिरयानी वगैरह है, सब चीज़ लगा दी गई है अफ्तार में। तो यहाँ पे और लेडीज़ों का अफ्तार अलग लगा है और जेंट्सों का अफ्तार अलग लगा है। तो जेंट्स बैठे हैं बाहर लॉन में और लेडीज़ें जो हैं अंदर हॉल में बैठी हैं, और यहाँ पे इफ्तार हो रहा है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था इफ्तार में, और मतलब आज बहुत मन भी लग रहा था। तो यहाँ पे जेंट्स बैठे, जेंट्स अभी कम ही आए हैं, सब लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, तो अभी सब लोग आए नहीं हैं, सब धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, अब सिर्फ घर घर के लोग ही इकट्ठा हो पाए हैं और बाकी जो है सब लोग अभी आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे सब लेडीज़ें बैठ गई हैं। तो लेडीज़ों का अवतार ना दो जगह पे लगा था, क्योंकि लेडीज़ें बहुत थी और जगह नहीं हो पा रही थी, सब जगह सब लोग एक जगह बैठ जाएं, इसलिए
कुछ और थे एक रूम में बैठी थी, कुछ और थे एक रूम में बैठी थी, इस तरीके सब लोग बैठे थे और हम लोग इधर बैठे हैं। और बस बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बैठे हैं, नंद है, मैं हूँ और नंद की लड़की है, सब लोग हम लोग यहाँ बैठ के अवतार कर रहे हैं। अवतार करने के बाद हम जेंट्स यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और लेडीज़ों ने अंदर नमाज़ पढ़ी है। तो बस अवतार करने के बाद यहाँ पे ईशा की नमाज़ हो रही है, तो देखिए यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग। कुछ लोग चले गए थे अवतार करने के बाद और जो लोग बचे थे तो वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और लेडीज़ें जो हैं अंदर नमाज़ पढ़ रही हैं हाल में। तो बस यहाँ पे नमाज़ हो रही है अवतार के बाद। और मतलब इस तरीके से ना नमाज़ मैंने जेंट्सों की अवतार में पहली बार देखी, मुझे मतलब अच्छा लगा कि अवतार के बाद नमाज़ घर में पढ़ रहे हैं। तो अलग बात, सब लोग साथ में पढ़ते हैं तो अलग बात होती है, मस्जिदों में तो जेंट्स पढ़ने जाते ही हैं, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ अवतार अवतार के बाद हम लोग, तो बस यहाँ पे हम लोग शॉप में आ गए हैं नंद की। तो वो कह रही थी कि नए डिज़ाइन के नायरा सूट आए हैं, तो वो एक बार देख लो, अगर पसंद आए तो वो ले लेना। तो बस यहाँ पे हम लोग शॉपिंग के लिए सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी शॉप पे बहुत अच्छे, मतलब उनके देवर की शॉप है ये। तो ये देखिए यहाँ पे इब्राहिम भी आए हैं और यहाँ पे नायरा सूट बहुत ही प्यारे प्यारे से लगे, देखिए कितने अलग अलग डिज़ाइन के नायरा सूट है, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी सूट देख। अच्छी सी लड़की बताइए, अच्छा सही है, रिश्ता लगाया था इनका, कपड़ों की दुकान है, जो भी कोई अच्छी सी लड़की हो बताइएगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलेंगे। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ये सूट। इसका एक गुलाबी भी दिखाओ, दिखा दो पहले, हम ही ले लें फिर बाद में लेंगे। पहले ये सिलेक्ट किया है, रात में 1 बजे जा रहे हैं घर। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर, ये रास्ते की वीडियो है। घर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इनका घर सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पे है, हमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं नंद के घर जाने में। तो बस हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं, सारा काम हमारा हो गया है। और ये दुकान देख के मायरा कर रही थी, मम्मा मैंने यहाँ पे एक सूट चूज़ किया तो मुझे ये सूट पसंद आया है, तो मैंने घर पर आके ट्राई करा है कि इसकी फ़िटिंग वगैरह सही है नहीं है, अगर टाइट होगा तो नहीं आएगा, अगर ढीला होगा तो मैं इनका फ़िट करवा लूँगी। तो फ़िलहाल मेरे बिल्कुल ठीक आया है, ना मुझे टाइट करवाना है ना मुझे ढीला करवाना है, बिल्कुल सही है। बस इसकी स्लीव्स लगानी, स्लीव्स नहीं लगी हुई है इस टाइम, तो बस स्लीव्स लगा लूँगी, स्लीव्स इसके अंदर हैं। तो हम घर पे आ गए हैं और बच्चे भी सो गए हैं, तो बस यहाँ पे बच्चे दोनों सो गए हैं और रात का बज गया है 1। तो नंद के यहाँ से हम लोग 12:30 बजे चले थे वहाँ से, तो बस 1 बज गया, मतलब कपड़े वपड़े चेंज करें, बच्चों के कपड़े वपड़े चेंज करें, उनको सुलाया वुलाया सब करने में मुझे यहाँ पे बज गया है 1:15 बज गया है। अपने भी कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए, रात का टाइम है और मैंने थोड़ी शॉपिंग भी की। मैंने फ्रॉक लिया है, मतलब जो आजकल नायरा डिज़ाइन का ड्रेस चल रहा है ना, नायरा कट बोलते हैं शायद, क्या बोलते उसको, नायरा फ्रॉक, तो वो लिए मैंने आज, बहुत ही प्यारी लग रही है और मैं उसको कल ही दूंगी बनने के लिए। तो उसमें स्लीव्स लगेंगी तो बनने के लिए मैं दूंगी बस, तो वो मैंने ड्रेस लिया है। और रात का टाइम है, बहुत थकन हो गई है, तो नंद के अवतार भी हो गया, अवतार करने के बाद हम लोग उनकी शॉप पे गए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की है थोड़ी सी। और चलिए फिर बस यही ब्लॉग है, आज मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा जब फ्रॉक पूरी तैयार हो जाएगी ना, तब फिर मैं अच्छे से दिखाऊंगी। अभी स्लीव्स नहीं थी तो मैंने बस ऐसे ही दिखा दिया है, लेकिन जब वो अच्छे से तैयार हो जाएगी तो फिर दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जो फ्रॉक है वो कैसी लग रही है, बहुत बढ़िया है। उनकी दुकान है चिकन, उनकी दुकान पर ना चिकन का सारा सामान मिलता है, जैसे कुर्ते हैं, फ्रॉक हैं, ये सब मिलता है। और नायरा कट वाला डिज़ाइन जो ड्रेस है, नायरा जो फ्रॉक वाला डिज़ाइन है, वो भी उनके यहाँ मिल जाते हैं, ड्रेस मिल जाते हैं। तो बस हमने कहा चलो, अच्छे अच्छे कलर थे, उन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करके भेजा तो अच्छे लग रहे थे, तो हमने ले लिया, मैंने लिया है, नंद ने लिया है, तो फिलहाल अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं। और वैसे तो ईद पे खैर हम लोग नहीं पहनेंगे, ईद हमारे नहीं मनाई जाएगी, लेकिन ले लिए, बाद में कभी पहनने जाएंगे, लेकर रख लिए। चलिए ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं करूँगी अब आराम, कल मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और कल दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे किसी बढ़िया से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।